एमडी में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज मैं आप सामने एक नया वीडियो फिर से लेकर आऊँ जो रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों, इसको मैंने MI स्टोर से ख़रीदा है। जानते दोस्तों, ये फ़ोन जल्दी मिलता नहीं है। कितने बार मैं ट्राई किया फ्लिपकार्ट पर, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक, पर इस बार मिल गया है। जैसे दिख रहा है आपको दोस्तों, इसके स्क्रीन है 1089 रेशियो की फुल HD, और उसका मेन कैमरा आपका है 5+12 डुअल कैमरा है, और इसका सेकेंडरी कैमरा आपका है 20 MP सेल्फी लाइट, और उसका जो प्रोसेसर है 636 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, और उसकी बैटरी है 4000 mAh की। दोस्तों ये ब्लैक कलर का फ़ोन है, जैसे हमको चाहिए था। 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये फ़ोन है। और दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चर आपकी है मई 2018 की। और दोस्तों ये फ़ोन दिख रहा है मेड इन इंडिया बना हुआ है, जैसे आपको लोगों में दिख रहा है। अरे दोस्तों मैं इसको दिखाता हूँ ओपन करके, मैं पास ऐसा कवर आता हूँ, हट गया कवर, इसका ये इसका हो गया सिलिकॉन कवर जो देता है फोनों में। दोस्तों मैं इसको ओपन कर दिखाता हूँ, फिर इसमें साइड में रखता हूँ, उसको बाद में दिखाता हूँ ओपन करके कर। इसके अंदर देखने क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन करके कर। ये अब हो गया मेन फोन, देखिए दोस्तों इसके अंदर बचा हुआ है दोस्तों दो दिया हुआ मैनुअल बुक, इसको मैं रखता हूँ साइड में। एक चार्जर है, दोस्तों चार्जर इसकी है, पाँच वोल्ट और 2 एम्पीयर की चार्जर इसकी दी है। इसके साथ साथ इसको मैं साइड करता हूँ, इसके अंदर दिया केबल दिया हुआ है, माइक्रो USB 2 USB चार्जिंग दिया हुआ है, और इसके अंदर हुआ है सिम इजेक्टर टूल हो गया एक, और उसके अंदर कुछ दिया नहीं दोस्तों। आइए मेन फोन पे आता हूँ मैं, जैसे इसमें लगा हुआ है स्टिकर रेडमी नोट 5 प्रो। इसको जो मेन फीचर है इसके पन्ने चिपकाए हुए हैं, AI पावर बाय डुअल कैमरा, लो लाइट है, 20 MP इसका सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, इसका क्वालकॉम का 636 का प्रोसेसर दिया हुआ है इसके साथ। दोस्तों मेरे दोस्त ने इस फ़ोन को लोकल मार्केट से ख़रीदा था। दोस्तों मेरे दोस्त ने इस रेडमी नोट 5 को लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो उस पर स्टिकर ये नहीं दिया होता, वाइट कलर का स्टिकर चिपका हुआ था, उसके फीचर नहीं दिए हुए थे। और उसको मार्केट से ख़रीदा हो तो उसका प्राइस पड़ा हुआ था 16,300 का, ब्लैक में ख़रीदा था उसने। उसका देखिए बैक पैनल, ये कैमरा आपको दिया हुआ है 12 MP +5 MP डेप्थ सेंसर कैमरा दिया हुआ है, टच पैड हो गया, टच फिंगर स्कैनर हो गया, वार्निंग स्टिकर हो गई। इसके बॉटम में दिया, बॉटम दिखा रहा था मैं, हेडफोन जैक, माइक, USB चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर दिया हुआ है। और आपका लेफ्ट साइड में है सिम ट्रे दिया हुआ है, और राइट में पावर बटन है और वॉल्यूम रॉकर है। आए दोस्तों मैं इसको ऊपर का पन्नी हटाता हूँ, अंदर चिपका। अब मैं फोन को ऑन कर लेता हूँ,
देखिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो रहा है और अपना फर्स्ट सेटअप के लिए बोलेगा ये। देखिए एंड्रॉइड बूटिंग हो रही है। इसमें दोस्तों एम आई यूजर इंटरफेस 9 अपलोडेड है और जल्दी इसका एम आई यूजर इंटरफेस 10 जल्दी कुछ दिन में आने वाला है, जो नए फीचर्स पर लेस होगा। इसको मैं फटाफट से जल्दी सेटअप करके उसको मैं आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों फ़ोन को मैंने सेटअप कर दिया है और फ़ोन यूज़ के लिए तैयार है। अरे दोस्तों देखते हैं सेटिंग में जैसे क्या क्या फीचर दिए हुए हैं, कौन सा ऑपरेटिंग इंस्टॉल है और कितना रैम और कितना वो फ्री है। इसमें आपका 7.11 एंड्रॉइड वर्जन रन कर रहा है और सिक्योरिटी पैच आपका है दिसंबर 2017 का और एमआई वर्जन आपका है 9.2, जबकि अभी दोस्तों नया चल रहा है 9.5। इस फ़ोन को भी अपडेट करना पड़ेगा तब जाकर इस पाएगा। इसका सीपीयू जो आपका है ऑक्टाकोर मैक्स 1.8 गीगाहर्ट्ज का लगा हुआ है, रैम आपका 4GB का है और फर्स्ट बूट को आपका यूज़ करने के लिए था स्टोरेज आपका है 52.44 GB फर्स्ट बूट पर आपको यूज़ करने पर। देखिए मैं इसको चेक कर दिखाता हूँ इसमें अपडेट आया होगा। देखिए दोस्तों अपडेट आया हुआ है ना आपका 9.2113 का स्टेबल वर्जन 358 MB का। इसके बाद भी और अपडेट आए होंगे। इसको मैं बैक करता हूँ। उसको मैं चलता हूँ कैमरे पर अलाउ ओके। मैं फोटो ले लेता हूँ। एक फोटो ले लेता हूँ पोर्ट्रेट मोड पर। मैंने ऑब्जेक्ट को एक फोटो खींचेगा, बाकी बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा जिससे दिख रहा होगा, इससे मैं इसको फोटो खींचता हूँ। डेप्थ सेंसर इफेक्ट ले रही है। मैं रखता हूँ और दोस्तों गाने बोल गया था। ये देखिए इसका सॉफ्ट और सिल्की इसका बैक कवर है, तो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट ही है। जिस कलर का बैकग्राउंड का फ़ोन होता है उस कलर का ये कवर देता है। जैसे मेरा फ़ोन ब्लैक है तो ब्लैक दिया हुआ है। क्या दोस्तों मैं इसके आगे और मैं इसको चेक करके उसके मैं आगे वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा तो मैं बताऊँगा। मैं वीडियो यहीं रखता हूँ।